बालोक पेंगुइन एपिसोड 4 इज मार्वलस फॉर फ्यूचर स्टोरी प्लॉटिंग, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमें लग रहा था, लेकिन बाबा वो सब बहुत मिनिमम स्केल पर चल रहा था और ट्विस्ट तो अब आना शुरू हुआ है स्टोरी में। एक्चुअली जो पेंगुइन के घोड़े लगे हुए थे जहां हम वेट कर रहे थे कि किंग किंग वाले जोन में ये कब जाएगा ये बंदा आखिर, क्योंकि अभी तक सहारा ले रहा था ये, लेकिन बाबा अब आया है इसका वो जोन जहां से इसकी जर्नी शुरू होने वाली है। मतलब अब इसे कोई कॉम्प्रोमाइज में नहीं जीना है, असली में घोड़े अब लगेंगे, क्योंकि अभी तक वो सेफ खेल रहा था, सहारा ले रहा था, पहले सेल्वाटोर का, देन उसके बाद सोफिया का सहारा ले रहा था, बट अभी कोई सहारा नहीं, अभी जस्ट पेंगुइन एंड विक्टर, बस यही दोनों। और यहां एक नई शुरुआत होगी जहां एक तरफ सेल्वाटोर से भी दुश्मनी हो गई है इसकी, यानी अपने पेंगुइन की, और फैल्कन से तो इसने दुश्मनी पहले ही मोल ले रखी थी। एंड फाड़ू चीज तो ये हुई कि बाबा इसका सारा भांडा फूट चुका है, जो हमने एपिसोड 3 की एंडिंग और एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में देखा, नाडिया मैरोनी ने इन्हें पकड़ लिया था, यानी सोफिया एंड पेंगुइन को, और पेंगुइन की पोल सोफिया के सामने खोल दी, जो अब सोफिया फैल्कन को इसकी सारी असलियत पता लग चुकी है कि फैल्कन को गिराने के लिए मैरोनीज का साथ, यानी सेल्वाटोर का साथ इसने लिया था, लेकिन अभी ये बंदा तुम्हारे साथ मिल चुका है, ड्रग्स बेच रहा है। जबकि पेंगुइन की डील सेल्वाटोर के साथ ये थी कि फैल्कन्स का फाइनेंशियल कंडीशन और जितनी भी अंदर की अंदरूनी खबर है और जो भी बिग शिपमेंट्स उनके होने वाले हैं फैल्कन्स के, वो मरेनुज को बताए और तब जाके वो इनका सत्यानाश करे, यानी इनके बिजनेस को अंदर से खकोले। और ये धमकी नाडिया पहले भी पेंगुइन को एल्बर्टो के जो फंक्शन चल रहा था, यानी फ्यूनरल फंक्शन चल रहा था, वहां पर पहले भी दे चुकी थी, जहां पेंगुइन ऑलमोस्ट पकड़ा जाने वाला था, बट वहां से पेंगुइन बच चुका था। एंड नाडिया ने ये बात भी खोल दी सोफिया के सामने कि एल्बर्टो को मारने वाला भी बंदा पेंगुइन ही था। और यहाँ सोफिया का दिल टूटता है बुरी तरीके से, क्योंकि वो अभी तक पेंगुइन को अपना साथी समझ रही थी, अपना एक पार्टनर के रूप में देख रही थी, क्योंकि उसकी फैमिली उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए था जो पेंगुइन से मिल रहा था, और यहाँ पर उसका ट्रस्ट टूटता है फिर से। पहले तो वो पेंगुइन से नफरत ही करती है पहले ही, लेकिन वो जैसे तैसे अपना ट्रस्ट बिल्डअप करती है, लेकिन बाद में फिर से उसका दिल टूट जाता है। तो बाबा अभी होगा पंगा खतरनाक। खैर सोफिया फुल पावर में आ चुकी है, क्योंकि उसने अपनी सारी फैमिली जो सुप्रीम पावर में थी, और सोफिया को वो सब लोग गौथम से भगाना चाह रहे थे, उन सबको पेल दिया, यानी मार दिया है, वो जहरीली गैस वगैरह छोड़ के, लास्ट में हमने देखा ये एपिसोड 4 के, सिर्फ जॉनी वीटी को जिंदा छोड़ा है, और ट्रेलर में जो देखा गया है वो उसे टॉर्चर कर रही है। तो बाबा देखते हैं आगे एपिसोड में इसका और क्या रोल होने वाला है। एंड बात अगर फिफ्थ प्रोमो की करे एंड मिड अहेड ऑफ ट्रेलर की बात करें, जो भी करके उन्होंने रिलीज किया है एपिसोड 5 के लिए और फ्यूचर स्टोरी के लिए, तो बाबा बहुत से सुराग छोड़ कर गया है, जहां हमने अपना पेंगुइन अब जो फुल एक्टिवली काम कर रहा है उसका एक नया रूप देखा, जो अब भागना नहीं चाहता है, अब वो अपनी गैंग तैयार कर रहा है, यानी वो टिक के उनसे पंगा लेना चाहता है, जहां वो उन लोगों से मिलता है, उनसे मिलते हुए भी नजर आ रहा है अपने ट्रेलर में, जो कभी ना कभी सेल्वाटोर या फैल्कन दोनों फैमिली के खिलाफ थे या उनसे सताए हुए थे। और पेंगुइन का सर्वाइवल गौथम में तभी हो पाएगा जब ये दोनों फैमिली को ये जड़ से उखाड़ देगा। तो देखते हैं बाबा, इसी चीज़ का तो वेट था कि पेंगुइन अपने एक सुप्रीम पावर में आए, अपनी नई गैंग बनाए, और जो तैयारी ये कर रहा है भाई वो दमदार होने वाली है। दूसरी तरफ ट्रेलर में ये भी दिख रहा है कि सोफिया जो अब पेंगुइन से नफरत कर रही है और वो उसे पेन में देखना चाहती है, और एक बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान पेंगुइन को रोते हुए भी देखा गया, और उसकी लाइफ में एक ही प्रीसियस चीज है जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं, वो उसकी माँ है। तो शायद सोफिया ने पहली बाजी चल दी है यहाँ पर, जहाँ उसने शायद उस बॉम्ब ब्लास्ट में पेंगुइन की माँ को मरवा डाला है, और जो पेन वो एल्बर्टो को खोने के बाद फील कर रही है या कर रही थी, वही पेन अब वो पेंगुइन को दे रही है उसकी मॉम को उससे छीनने के बाद। दूसरी तरफ बाबा सोफिया ब्रूटल एंड सेविज दिख रही है, जो न्यू गैंग बनाते हुए नजर आई है उस ट्रेलर में, और फैल्कन्स का जो दबदबा था कारमाइन के टाइम पर, वही दबदबा बनाते नजर आ रही है दोबारा से सोफिया। तो देखते हैं बाबा एपिसोड में क्या होता है, मतलब फिफ्थ एपिसोड में क्या होता है। बाकी आई एम एक्साइटेड कि विक्टर को अब पेंगुइन कैसे इस्तेमाल करेगा, क्योंकि विक्टर बहुत कैपेबल लौंडा है, और कॉमिक की बात करें तो विक्टर बहुत हेल्प करता है पेंगुइन को उसका एम्पायर गॉथम सिटी में फैलाने के लिए और खड़ा करने के लिए। बाकी सोफिया कैरेक्टर की अगर बात करें, कॉमिक के कंपैरिजन में अगर बात करें, तो भाई साहब बहुत कुछ चेंज किया है मेकर ने इस बार इस शो में। दैट्स वाई की इंटरेस्ट जग रहा है सोफिया को देखने के लिए कि मेकर आखिर इसका और कौन सा नया एंगल हमें डिलीवर करने वाले। क्योंकि अगर कॉमिक की बात करें तो सोफिया फैल्कन एक सीरियल किलर होती है, वो सच में सीरियल किलर होती है, जो इस बार इसमें झूठे रूप में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल साइको टाइप, जो खासकर पुलिस वालों को ही मारती थी, वो भी हर हफ्ते, और उन्हीं के खून से हैंगमैन लिख के भी आती थी, दैट्स वाई कि उसका नाम वहां से हैंगमैन पड़ा था अकॉर्डिंग टू कॉमिक। लेकिन शो में हमें दिखाया जा रहा है कि उसे जबरदस्ती फंसाया, वो भी उसका बाप ने, यानी कारमाइन ने ही फंसाया, ताकि वो उसका भांडा ना फोड़ दे। और जो हमने एपिसोड में देखा ही कैसे उसे पता चल जाता है कि कारमाइन ही है जिसने उसकी माँ को मारा, और कारमाइन ही है वो जो बाकी की 6-7 लड़कियों को मार चुका है,
और जिनको जिन जिनको मारा है वो कारमायनी है, क्योंकि वो एक ही हिसाब से मार रहा है सबको। और वही चीज अपनी बीवी के साथ भी उससे किया फांसी में लटका के। एंड द हैंगमैन कारमायन होता है एंड वो सोफिया पे ट्रांसफर कर देता है, दैट्स वाई कि उसे वहां से हैंगमैन कहा जा रहा है इन शो में। बट कॉमिक में ये कहानी बिल्कुल अलग है। मतलब शो में सोफिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया, एक पॉजिटिव एंगल दिखाया गया है कि पहले वो क्रिमिनल माइंड नहीं थी, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ जब उसे आरखाम भेज दिया उसके बाप ने खुद फंसा के उसे, तो वो बाद में क्रिमिनल माइंड बची, क्योंकि वो हमने देखा भी आरखाम असाइलम में वो कैसे सर्वाइव करती है इतना ज़्यादा टॉर्चर वगैरह सब कुछ झेलने के बाद, और वहाँ से वो जबरदस्त सर्वाइव करके भी निकल रही है, और एक नया एटीट्यूड नया गोर उसमें देखने को मिल रहा है। तो लेकिन बाबा कॉमिक की बात करें तो कॉमिक में एक चीज़ ये भी दिखाई है कि अल्बर्टो फैल्कॉन को सोफिया ही मारती है, यानी हैंगमैन ही मारता है, ये कॉमिक की बात है। बट यहाँ शो में अलग दिखाया कि सोफिया ने अपने भाई को नहीं मारा है बल्कि अल्बर्टो फैल्कॉन को हमारा पेंगुइन मार रहा है। तो देखते हैं बाबा, क्योंकि बहुत कुछ चेंज है तो आगे जाके कुछ नया तो देखने को मिलने ही वाला है। बाकी एपिसोड 5 का वेट है, 20 अक्टूबर का वेट है भाई। बाकी एक किसी सेपरेट वीडियो में सोफिया के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि सोफिया का जो कैरेक्टर है कॉमिक में तो बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर है, सेवेज ब्रूटल एंड बिल्कुल साइको टाइप कैरेक्टर, जो ऐसी ऐसी हरकतें करती है मजे मजे में और वो उन्हें मार रही है, एक सीरियल किलर। तो देखते हैं भाई, उसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे कॉमिक के कैरेक्टर की। बाकी भाई शो में जो कैरेक्टर चल रहा है उसके लिए तो एक्साइटमेंट है ही है। 5th एपिसोड से कहानी बदलने वाली है, क्योंकि अब भाई साहब आमने सामने की वॉर होगी, तीन वॉर तीन जगह पे देखने को मिले। एक सैल्वाटोर की तरफ से, फैल्कॉन की तरफ से सोफिया हैंडल करेगी, देन उसके बाद पेंगुइन जो अपनी एक नई गैंग बनाएगा तो उसके हिसाब से भी कहानी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर पेंगुइन का ही सर्वाइवल दिखाया गया है, तो देखेंगे कि इन दोनों फैमिली को ये कैसे इराडिकेट करता है आगे जाके। बाकी वीडियो कैसी लगी बाबा नीचे कमेंट उसे जरूर बता के जाना, आपका कितना एक्साइटमेंट है इस वेब शो के लिए, आगे स्टोरी के लिए जरूर बता के जाना। बाकी और कोई भी डिटेल मुझसे मिस हो रही है तो जरूर बता के जाना, उस पर भी बात कर लेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। यहां तक पहुंच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद है, लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।